जाम से मुक्त हो। निपुण भारत के तहत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन सभागार में संबंधित कार्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के संबंधित कार्यों के साथ कायाकल्प योजना, निपुण भारत अभियान, शारदा सामर्थ्य, मानव संपदा का अनुसरण, मिड डे मील सहित अन्य योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई और योजनाओं के शत प्रतिशत क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उसमें अगर किसी की समस्या हो सर, इसके जल पे जहाँ जहाँ पे एजुकेशन द्वारा काम कराया गया है उसमें आप एक बार सर्वे ये 72% आपने जो भरा है ये हकीकत है? फर्जी तो नहीं है? ठीक है, 28% और करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कोई बताए? सूची बची हुई है सर, तो मैं वीडियो साहबों को भेज दिया था और अपने कार्यक्रम वाले ग्रुप में भी डाल दिया सर, और प्रधान जी लोगों से ध्यान नहीं हो पा रहा है सर, वहाँ संपर्क भी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉम्पोजिट ग्रांट का पैसा कितना खर्च हुआ है? सभी जगह खर्च हो गया? लगभग जगह खर्च हुआ है सर, और वाटर सप्लाई का काम, ब्लैक बोर्ड का काम और कुछ जगह पे सर डेस्क बेंच का काम। 15 में सर 10 से 15 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे डेस्क बेंच खरीदी हुई है। लेकिन सभी जगह जीरो कब हो जाएगा? मतलब पैसा बचा ही नहीं है, कब हो जाएगा? कॉम्पोजिट ग्रांट का तो खर्च कर ही सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पैसा पड़ा हुआ है जी, है ना, उनके लिए आप क्या रणनीति अपना रहे? अभी भी बहुत सारे स्कूलों ने डेटा ही फीड नहीं किया और जहाँ फीड किया गया वहाँ अवशेष धनराशि जो भी है यार, मतलब आपको 50,000-25,000 खर्च करने में मुझे पीछे रखना पड़ेगा तो ये खर्च कराने में भी आपको कितना ढीलावाली क्यों कर रहे हैं? ये अप्रैल का डेटा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज बेसिक शिक्षा विभाग की सभी एआरपी, एसआरजी, डायट मेंटर्स और खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। विभिन्न योजनाएं जैसे ऑपरेशन कायाकल्प है, निपुण भारत अभियान है, शारदा है, सामर्थ्य है, मानव संपदा का अनुश्रवण, इन विभिन्न मिड डे मील, इन सभी योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई, अनुश्रवण किया गया और जो लक्ष्य निर्धारित है शासन द्वारा उसकी पूर्ति के लिए सभी को निर्देशित किया गया है और रणनीति बनी हुई है, चरणबद्ध रूप से काम हो रहा है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी स्कूलों में अवस्थापनाओं के संतृप्ति की कार्रवाई मिशन मोड में चल रहा है। सभी अच्छे कार्य करने वाले सभी टीचर्स और प्रधानों को बधाई देता हूँ और शेष जितने भी काम बचा हुआ है उसको समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए